हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नंबर वन एस्पिरेंट। टुडे आवर टॉपिक इज यूपीएससी प्री क्वेश्चंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। द लास्ट ईयर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द रॉन्ग स्टेटमेंट वाज गिवन इन दैट पॉइंट। सो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिए गए थे पिछले साल के क्वेश्चन में और हाउ टू सेलेक्ट द राइट आंसर ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद टॉपिक को पढ़ के हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स की तरफ से 2023 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम टॉपिक को रीड कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 71 डील्स विद द मैटर्स ऑफ द कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमको आप और आपको भी ये पता होगा आर्टिकल 71 जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मायने रखता है। आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर ही हम केवल डिस्कस करेंगे। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग ऑफ और कनेक्शंस विद द एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शॉल इंक्वायर्ड इन टू द डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शॉल बी फाइनल। मतलब जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, इलेक्शन को लेकर, वो कौन सुलझाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होगा। आगे बात करते हैं, इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर, अगर किसी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है, वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट डन बाय हिम, तो किसके द्वारा किया जाएगा, वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी के द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इन द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि उनके ऑफिस पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में कौन बताएगा, सब कुछ की जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एज द केस मे बी और बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शॉल बी इनवैलिडेटेड बाय द रीजन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, मतलब कि बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन सब जितने भी रीजन होंगे, ठीक है, और जितने भी डिक्लेरेशन होंगे इनवैलिडेटेड होंगे, मतलब वो सारे नहीं माने जाएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला उस पर ना सुनाए कोई भी डिसीजन पे। अगला पॉइंट कहता है, द सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, प्रोविजन हो, लॉ रेगुलेटेड हो, ठीक है, कानून के तहत हो, मैटर तू प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, ठीक है, वो सब सारे प्रोविजन किसके अंदर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे। आगे बात करते हैं जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आर्टिकल 54 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 54 आपने पढ़ा होगा, दिस इज़ बिकॉज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के बारे में है, ठीक है, आर्टिकल 54। तो सबसे पहले हम ही और सी में गिव विदहोल्ड द एसेंट ऑफ रिटर्न अ बिल इफ इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो सबसे पहले बताते हैं, वैन अ बिल इज़ प्रजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब बिल किस कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच ही और ही हैज़ डिक्लेयर हिज असेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कोई भी टाइम लिमिट नहीं देता कि जब तक वो अपना लिमिट, मतलब अपना डिसीजन दे सके प्रेसिडेंट, उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होता बिल को लेकर। ही और सी अपना जो वो एसेंट है, अपना मतलब जो मान्यता है, अपना डिसीजन, वो एसेंट मतलब अपना डिसीजन, अपना डिसीजन वो कभी भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। हाउएवर द बिल रिटर्न टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकंसिडरेशन पास्ड अगेन बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज ऑब्लाइज टू गिव हिज असेंट। अगर कोई मनी बिल नहीं है, ठीक है, मनी बिल के अलावा कोई भी अमेंडमेंट वाला बिल है और प्रेसिडेंट ने उसको रोक दिया है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो बिल उसके पास प्रेसिडेंट के पास आ चुका है, तो ऐसे केस में तो वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। अगर प्रेसिडेंट अगर किसी बिल को रोकते हैं तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन
दोबारा वो रिकंसिड्रेशन के लिए नहीं भेज सकता। अगर दोबारा वही बिल सेम आ गया तो प्रेसिडेंट को वो बिल उसे पास करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। सबसे पहला इफ़ द इलेक्शन ऑफ द, इसमें बताना है कि हाउ स्टेटमेंट कितने करेक्ट है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आप आसानी से दे पाएंगे जवाब। इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज हिज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनवैलिड्स बिफोर द डेट ऑफ इनवैलिड से वो पहले कोई भी डिसीजन या ड्यूटी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, जो पहला पॉइंट था इसी के ऊपर था। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा इस पॉइंट को, तो वीडियो को रोक के आराम से इसको, जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़े, तभी आपको क्लियर होगा। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट शॉल नॉट बी वैलिडेटेड बाय द रीजन, बाय रीजन, ठीक है, ऑफ दैट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे सीधा मना किया गया, ठीक है, सॉल बी इनवैलिडेटेड बाय रीजन। सुप्रीम कोर्ट की बात करिए कर रहे हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट सॉल बी इनवैलिडेटेड बाय द रीजन। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द डेस्क बिफोर डिसीजन बिकम इनवैलिड, ऐसा कुछ नहीं है। डिसीजन कभी भी इनवैलिड नहीं होता प्रेसिडेंट का। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बिन डिसॉल्व, द इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। नहीं, इलेक्शन डिसॉल्व नहीं हो सकता लेजिस्लेटिव असेंबली के बेस पे, बिल्कुल भी इलेक्शन, ठीक है, डिसॉल्व नहीं हो सकता। वेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी अगर बिल अगर प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही सी हैज़ डिक्लेयर हिज असेंट। कह रहा है कि अगर कोई बिल अगर प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है तो उनको अपना डिसीजन देना पड़ेगा एक टाइम लिमिट में। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता कि बिल को वो पास कब तक करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये पॉइंट हमने पढ़ा था। ठीक है, कहाँ गया, वेन अ बिल प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये लाइन देखो लिखा हुआ है, ठीक है, डज नॉट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमें पता चलता है कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता प्रेसिडेंट को। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट ही गलत दे रखे हैं। इसका आंसर हो जाएगा नन, कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, सारे आंसर इसमें गलत भर रखे हैं। ठीक है, तो जब सारे आंसर ही गलत भर रखे हैं तो आप इस सबसे अच्छा इन इस टॉपिक के पॉइंट को आप अगर रीड कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल पे, तो इसको 2-3 बार रिवाइज करिए तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।